में बात करेंगे कि आज मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी के अंदर प्याज के क्वालिटी अनुसार भाव कैसे देखने को मिल रहे हैं और प्याज की आवकों की स्थिति कैसी बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले नजर डालेंगे यहाँ पे प्याज की आवकों के ऊपर। तो आपको बता दें कि आज इंदौर मंडी के अंदर प्याज की जो आवकें हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्याज की आवक 45,000 से लेकर 50,000 कट्टों की देखने को मिली है। यहीं से बात करें अगर प्याज के क्वालिटी अनुसार भाव की, तो इंदौर मंडी में आज ऊपर में जो एक लॉट है जो सबसे ऊपर में कीमत में बिकता हुआ नजर आया है वो लगभग 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता हुआ नजर आया है। इसी के साथ बात करें यहाँ पे अगर सुपर क्वालिटी के प्याज की, तो इसका दाम 2000 से लेकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। वहीं बात करें गोल्टा क्वालिटी की, तो इस प्याज का दाम 1400 से लेकर 1900 रहा। वहीं गोल्टी क्वालिटी 900 से लेकर 1300 रही। और बात की जाए यहाँ से अगर छोटे क्वालिटी की प्याज की, तो इसका दाम 300 से लेकर 800 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है आज इंदौर मंडी के अंदर। तो ये थे इंदौर मंडी में आज के प्याज के क्वालिटी अनुसार भाव और आवकों की जानकारी। बात करें यहाँ से अगर प्याज के बाज़ार में मंदी और तेज़ी की, तो कल के मुकाबले प्याज का जो बाज़ार है इंदौर मंडी में आज वो नरम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब से सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक निकाला है मंडियों के अंदर बाज़ारों में, तब से प्याज की कीमतों में एक हल्की नरमी देखने को मिल रही है। और अब जब नई प्याज की फसल भी आ जाएगी, आवकें आ जाएंगी, तब प्याज की कीमतों में थोड़ी और नरमी आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।